जय महाकाल, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं। आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर के लिए, यदि आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था 2022 में जनवरी मार्च 2022 में आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई हुए थे, इसके बाद आप लोग का फिजिकल हुआ। जी हाँ, फिजिकल आप लोग का जो अक्टूबर 2022 में यहाँ पे फिनिश करा लिया गया। 41 सेंटर बनाए थे, 40 दिनों तक आप लोग के यहाँ पे फिजिकल चले। फिजिकल में 5 किलोमीटर की रनिंग थी, काफी ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे जो है रनिंग में फेल हुए। तो फिजिकल सबसे पहले था, उसके बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम। रिटर्न एग्जाम की डेट आ चुकी है, यदि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम आप लोग का जो है यहाँ पे 26 सितंबर 2023 में है, ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम कर दिया गया है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। यदि आप लोगों ने 2022 की वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई किया है या फिर न्यू वैकेंसी के लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, वीडियो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली है। तो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की आप लोग की वैकेंसी 2022 में आई थी। वैकेंसियां पहले ही काफी अच्छी हैं। जी हाँ, 1149 वैकेंसी है, स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज आप लोग की ये वैकेंसी रहती है। आप लोगों को पता होना चाहिए, काफी लंबे समय के बाद आप लोग की ये वैकेंसी निकल के आई थी। मेल कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते थे, 12th क्लास पास थे आप लोग साइंस स्ट्रीम से तो ही आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते थे। फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, और जिन्होंने अप्लाई किया था उसमें से मैक्सिमम कैंडिडेट फिजिकल में यहाँ पे फेल हो गए, क्योंकि 5 किलोमीटर की रनिंग थी, 24 मिनट का टाइम था। इसके अलावा कुछ बच्चे हाइट वेट वगैरह में, चेस्ट में आप लोग के यहाँ पे फेल हुए, और रिटर्न एग्जाम देने वाले कैंडिडेट बहुत ही कम है। जी हाँ, रिटर्न एग्जाम कैंडिडेट देने वाले संख्या बहुत 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 ही कम है। यदि आप लोग को जानकारी दी जाए तो 1 से 1.25 लाख के बीच में ही आप लोग के यहाँ पे रिटर्न एग्जाम देने वाले कैंडिडेट हैं। एक्चुअल डाटा आप लोग को आने वाले समय में पता चलेगी, लेकिन जो जानकारी दी जा रही है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, 1 से 1.25 लाख के बीच में ही आप लोग के यहाँ पे कैंडिडेट होने चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है रिटर्न एग्जाम के लिए सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर 2022 की वैकेंसी के लिए, तो इम्पोर्टेंट है ये वैकेंसी। यदि आप लोगों ने फिजिकल क्लियर किया है, जी हाँ, ये वैकेंसी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, और ये वैकेंसी आप लोग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं आप लोग को बता दूं, जी हाँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए, एक बहुत ही सुनहरा मौका, एक ऐसा चांस आप लोग को मिला है जिसमें कि आप लोग फोर्स में भर्ती ले सकते हैं। जी हाँ, आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ पे 1149 वैकेंसी थी, वीडियो मैंने आप लोग के लिए बनाया है, बाकी की जानकारियां आप लोग के पास होंगी। जी हाँ, यहाँ पे आप लोग की वैकेंसी, मैं ये नहीं कह रहा कि वैकेंसी इंक्रीज होगी, मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर कर दूं, इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन वीडियो इंपॉर्टेंट है। जो जानकारी देने वाला हूं, यदि ये चीजें होती हैं तो ये रिक्रूटमेंट आप लोग के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहेगी। जी हाँ, वैकेंसियां यहाँ पे आपकी इंक्रीज हो सकती है। जी हाँ, वैकेंसियां यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है, ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। मैं आप लोग क्लियर कर दूं, मैं ये नहीं कह रहा वैकेंसियां इंक्रीज हो गई हैं, वैकेंसियां इंक्रीज हो सकती हैं, इस पे कार्य चल रहा है, ये इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है डिपार्टमेंट से, और ऐसा हो सकता है आप लोग को बहुत ही जल्द सीआईएसएफ कांस्टेबल फायर की वैकेंसियां यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिले। जी हाँ सर, वैकेंसियां कितनी इंक्रीज हो सकती हैं, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है सर। वैकेंसियां कितनी इंक्रीज हो सकती हैं और वैकेंसियां क्यों इंक्रीज हो सकती हैं? तो देखिए, वैकेंसियां जो आप लोग की इंक्रीज हो सकती हैं, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, वो 1800 से ज्यादा वैकेंसियां यहाँ पे हो सकती हैं। अभी आप लोग की 1149 वैकेंसी है, यहाँ पे वैकेंसी आप लोग की 1800 से ज्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। ये प्रोसेस, ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से निकल के आ रही है, जो सूचना मुझे मिली है, जो जानकारी मुझे मिली है, मैंने आप लोग को आप लोग के साथ साझा कर दी है, ताकि रिटर्न एग्जाम की तैयारी आप लोग बिल्कुल डबल कर दीजिए। समय तो अब आप लोगों के पास है नहीं, मैंने जानकारी आप लोग को पहले ही दी थी, आपके रिटर्न एग्जाम होने वाले हैं, यदि आप लोगों ने तैयारी करी होगी तो सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस रहेंगे, मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं। जहां आप 1149 वैकेंसी के लिए अप्लाई मीन्स यहां पे फाइट करते, अभी आप लोग की जो है 1850 प्लस आप लोग की वैकेंसियां यहां पे देखने को मिल सकती है, ये इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी वैकेंसियां यहां पे इंक्रीज हो जाए। इसके अलावा मैं आप लोग को बता दूं, वैकेंसियां इंक्रीज क्यों हो रही है, क्यों हो सकती है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है आपकी न्यू रिक्रूटमेंट।
जी हाँ, बहुत से ऐसे न्यू कैंडिडेट हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे, क्योंकि इसमें मैंने आप लोग की न्यू वैकेंसी की भी डिटेल थंबनेल में दी है। बिल्कुल न्यू वैकेंसी जो आप लोग की है, मैं आप लोग को बता दूं, वो अभी निकल के नहीं आएगी। जी हाँ, न्यू वैकेंसी आप लोग की अभी देखने को नहीं मिलेगी। आपकी अब जो न्यू वैकेंसी है वो 2026 में जाके ही देखने को मिलेगी। और स्टाफ की जरूरत है, स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे न्यू रिक्रूटमेंट नहीं निकाली जाएगी। जल्द ही आप लोग की जो है यहाँ पे वैकेंसियों को इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि न्यू रिक्रूटमेंट आप लोग की जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो 2026 में ही अब आप लोग की निकल के आएगी। और इस बीच में जो कमियां हैं स्टाफ की, उसे कैसे पूरा किया जाएगा, उसे पूरा किया जाएगा जो रिक्रूटमेंट चल रही है, इसी में आप लोग की वैकेंसियां इंक्रीज होनी चाहिए। यही इंफॉर्मेशन है, और वैकेंसियां इंक्रीज हो सकती हैं। 1800 से ज्यादा वैकेंसियां आप लोग की हो जाएंगी। जी हाँ, 1800 से ज्यादा, 1850 के आसपास आप लोग की वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। और यदि ऐसा होता है, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, जो प्रोसेस चल रहा है, तो ये वैकेंसी आप लोग के लिए एक वरदान है। जी हाँ, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोग को यहाँ पे मिली हुई है, एक वरदान आप लोग को, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की संख्या पहले ही कम थी, और फिजिकल के बाद तो बच्चे बहुत ही कम हैं जो कि रिटेन एग्जाम में यहाँ पे भाग लेने वाले हैं। मैं आप लोग बता दूं, और रिटेन एग्जाम बहुत ही जल्दी है। यदि आपने तैयारी करी है तो सिलेक्शन के पूरे 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 चांस हैं आप लोग के लिए। मेहनत कीजिए, आगे आने वाले समय में जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यदि जो जानकारी निकल के आ रही है वो सही होती है तो वो भी आप लोग को जानकारी दी जाएगी, नहीं होता ऐसा तो ऐसा क्यों नहीं हुआ उसकी जानकारी भी दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप लोग की यदि ऐसा नहीं होता तो इसका रीजन आप लोग का जो है न्यू रिक्रूटमेंट आने की ही पॉसिबिलिटीज रहेगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं अभी आप लोग की। कोई न्यू रिक्रूटमेंट आप लोग की 2026 में ही निकल के आएगी, तो ये मान के चलिए आप लोग के पास पूरे पूरे चांस है यहाँ पे आप लोग की जो वैकेंसियां इंक्रीज होंगी। जी हाँ, 1800 से ज्यादा वैकेंसियां CISF कांस्टेबल फायर में देखने को मिल सकती है। तैयारी आप लोग कीजिए। जी हाँ, सिलेबस की जानकारी मैंने आप लोग को दी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप लोग के एग्जाम को चेंज किया गया है, यानी कि OMR की बजाय आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम लिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही है। बाकी कुछ भी चेंजेस नहीं किया गया है, ना ही कोई माइनस मार्किंग है आप लोग की, ना ही सिलेबस में कोई चेंजेस किया गया। GK रीजनिंग मैथ हिंदी इंग्लिश ही आप लोग की आने वाली, 25-25-25 क्वेश्चन, 25-25 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। यहाँ पे आप लोग का 2 घंटे का पेपर है, किसी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं है, नॉर्मलाइजेशन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक दिन आप लोग का पेपर है 26 सितंबर 2023। तो 26 सितंबर 2023 का दिन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये दिन आप लोग अपने कैरियर को बनाने के लिए ये दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये दिन आपका जो है कैरियर बना देगा, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 26 सितंबर 2023 आप लोग के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। कई शिफ्टों में आप लोग के एग्जाम हो रहे हैं, तैयारी में आप लोग लग जाइए, आपको अपना कैरियर बनाना है। मैंने आप लोग को जानकारी दे दी है जो भी इंपॉर्टेंट था, तो अब प्रिपरेशन को आप लोग डबल कीजिए। वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, न्यू रिक्रूटमेंट आने में समय लगेगा, तैयारी कीजिए। ऑनलाइन एग्जाम है, ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है, अभी मॉक टेस्ट वगैरह की जानकारी आप लोग को दी जाएगी। इसके अलावा भी कोई जानकारी लेनी है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछिए। इसके अलावा आप लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम से भी आप लोग जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में, मैंने आप लोग को पहले ही इससे पहले एक वीडियो में बताया था, आने वाले समय में बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को मिलेंगे, क्योंकि आप लोग के रिटर्न एग्जाम आ गए हैं और आप लोग को अब वीडियो के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। तो सिलेक्शन लेना है आप लोग को CISF कांस्टेबल फायर में, ऐसी वैकेंसी अब आप लोग को दोबारा नहीं मिलेगी। और यदि मिलेगी तो उसमें आप लोग को काफी समय लगेगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम पर। जाने से पहले आप लोगों से यही कहूंगा, इस चैनल पर चलो सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि इसी प्रकार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग। थैंक यू।